बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ट्रिपल फाइव टाइमर से ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किस तरह बनाया जाता है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रिपल फाइव टाइमर जो है उसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ट्रिपल फाइव टाइमर जो है ये एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो इसे के 8 टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है ये ज़रा देख लेते हैं हम। तो ट्रिपल फाइव टाइमर जो है उसमें दो कंपेरेटर होते हैं, ये अपर कंपेरेटर, ये लोअर कंपेरेटर, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपेरेटर यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद ये एक फ्लिप फ्लॉप होता है, ये एक डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रांजिस्टर होता है BUT। ये आउटपुट बफरिंग के लिए हमारा एम्पलीफायर होता है। और बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है पोटेंशियल डिवाइडर। इसमें हम 3 रेजिस्टर जो है, यानी कि आईसी के अंदर 3 रेजिस्टर लगे हुए होते हैं, और तीनों रेजिस्टर जो हैं उनकी वैल्यू 5 किलो ओम की होती है, 5 किलो ओम की। ये भी 5 किलो ओम का, ये भी 5 किलो ओम का, ये भी 5 किलो ओम का, यानी कि RA, RB और RC, RA, RB और RC, ये तीनों इनकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो बराबर होती हैं और वो 5 किलो ओम के बराबर होती हैं। इसलिए इसको ट्रिपल फाइव टाइमर कहते हैं, यानी कि इसमें 5 किलो ओम की 3 रेजिस्टर जो हैं लगे हुए होते हैं। तो ट्रिपल फाइव, 1 2 3, 1 5 2 5 3 5, तो ट्रिपल फाइव टाइमर इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें हम 3 रेजिस्टर जो है, यानी कि इसके अंदर 3 रेजिस्टर जो हैं वो 5 किलो ओम के ये सीरीज में लगे होते हैं, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये तो हमने कह दिया ना कि ये सारा सिस्टम जो है आपको इस तरह, यानी कि कंपैरेटर वगैरह है सो ऑन। तो अब ये देखें यहाँ ये इसके जो 8 टर्मिनल हैं वो किस तरह होते हैं। पहला टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड किया जाता है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, तीसरा जो है यानी दूसरा टर्मिनल जो है ये लोअर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, यानी कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है लोअर कंपैरेटर का। तीसरा जो टर्मिनल है उससे हम आउटपुट लेते हैं। चौथा टर्मिनल जो है ये फ्लिप फ्लॉप के साथ लगा हुआ है रीसेट के लिए। पांचवा टर्मिनल जो है ये अपर कंपैरेटर का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके साथ अटैच किया हुआ। छठा टर्मिनल जो है ये जो हमारा अपर कंपैरेटर है उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो छठा टर्मिनल है। सातवां जो है ये कैपेसिटर, सॉरी ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बेसिकली ये कलेक्टर है, यानी कि यहाँ से करंट पास हो सकता है अगर इसकी बेस जो है, ट्रांजिस्टर की बेस जो है वो 1 पोजीशन पे हो। मीन जब ये हायर पोटेंशियल पे आ जाता है इसका बेस, तो जाहिर है ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये कलेक्टर के थ्रू ये पाथ मिल जाता है यहाँ। यानी कि सातवां जो है टर्मिनल ये बेसिकली डिस्चार्ज कैपेसिटर अपना ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है। और आठवां टर्मिनल जो है इस पे हम वोल्टेज देते हैं पॉजिटिव VCC। तो ये हमारे 8 टर्मिनल इसके पूरे हो गए ट्रांजिस्टर अपना IC के। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कि यहाँ जब VCC देंगे तो ये देखें 1 रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर और 3 रेजिस्टर, और तीनों जो हैं ये जाहिर है ये बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि तीनों रेजिस्टर में ये जो पोटेंशियल है 0 और 1 के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस VCC के बराबर है, तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा 1/3 VCC, इस रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ से अगर देखें तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/3, यानी कि
ये तीन हिस्सों में एक्चुअली वीसीसी को डिवाइड करता है, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ये 0, 1/3, 2/3 और 3/3, मीन ये हर जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल जो है डिवाइड होता है, यानी कि वीसीसी का तीसरा हिस्सा। वेल फर्ज अगर वीसीसी 15 वोल्ट है, इसका तो 5 वोल्ट इसके क्रॉस, 5 वोल्ट इसके क्रॉस और 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 5, ये 10 और ये 15 हो जाएगा। अब आगे ये देखें कि ये हमारे पास जो दो कंपैरेटर हैं, इसकी जो आउटपुट है 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अब ये है फ्लिप फ्लॉप। तो ये फ्लिप फ्लॉप कल हमने पढ़ा था बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसमें ये देखें, ये हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है इसमें ये ऐसे है, ये आर है, ये क्यू है, ये क्यू बार है, यानी कि यहाँ पे ये आउटपुट क्यू, ये आउटपुट जो है वो क्यू बार है। तो कल जिस तरह हमने तफसील से डिस्कस किया था, अब देखेंगे इसकी जो वर्किंग है हम इसके ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं। अगर एस जीरो होगा, आर भी जीरो होगा, यानी कि एस और आर दोनों ही जीरो होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ कोई भी पोटेंशियल जो है बेस के ऊपर नहीं बन मिलेगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर जो है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उनकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। अगर ऑन है तो ऑन ही रहेंगे, यानी कि जाहिर है एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, दोनों ऑन नहीं हो सकते, दोनों ऑफ नहीं हो सकते। तो अगर बिल फर्ज क्यू वन ऑन है और क्यू टू ऑफ है, तो इसका मतलब यहाँ जीरो होगा, यहाँ वन होगा। तो यहाँ भी जीरो अगर हम दे देते हैं पोटेंशियल, यहाँ भी जीरो दे देते हैं, तो जाहिर है इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा, अगर वन है तो वन ही रहेगा। इसी तरह अगर वन है तो वन रहेगा, जीरो है तो जीरो ही रहेगा। तो जब हम एस और आर दोनों पे जीरो जीरो देते हैं पोटेंशियल, यानी कि यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो ये इसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जो प्रीवियसली स्टेट है वही रहेगी। तो दूसरा जो केस है वो क्या हो सकता है, एस को हम जीरो पे रखते हैं लेकिन आर को वन कर देते हैं। तो अब देखें कि जब यहाँ पल्स आएगा, वन आएगा, तो ये ट्रांजिस्टर जो है डेफिनेटली ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे आउटपुट ये जीरो होगी, यहाँ पे आउटपुट जीरो होगी, तो क्या होगा, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये डीप रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन हो गया ट्रांजिस्टर, ये ऑफ हो गया, तो यहाँ जाहिर है जीरो होगा, यहाँ वन होगा, तो ये जीरो यहाँ और यहाँ वन आएगा आपके पास। अब इसकी स्टेट चेंज करते हैं, यहाँ वन कर देते हैं, यहाँ जीरो कर देते हैं। तो जब यहाँ हाई पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो डेफिनेटली क्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, यानी कि ये ऑन है ये ऑफ है, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, यानी कि क्यू बार जो है वो वन होगा और क्यू जो है वो जीरो होगा। अब यहाँ भी अगर वन कर देते हैं, यहाँ भी वन कर देते हैं, तो ये इनवैलिड कंडीशन है, यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है। तो ये वन वन जो है इनवैलिड कंडीशन है। तो इसका मतलब बेसिकली ये तीन चीज़ें जो हैं, ये ऊपर वाली, ये आपने इसके ऊपर गौर रखना है कि जब एस जीरो होगा आर जीरो होगा कोई चेंज नहीं है, जो स्टेट है वही रहेगी। अगर एस जीरो है आर वन है तो क्यू जो है वन हो जाएगा और क्यू बार जो है वो जीरो हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये स्टेट यहाँ जो है इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये देखें ये एस जीरो है आर जीरो है तो इसकी स्टेट जब आर जीरो होगा एस जीरो होगा तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर एस जीरो हो और आर जो है वो वन हो जाए, एस जीरो हो आर वन हो जाए, तो क्यू जो है वो वन हो जाएगा, क्यू वन हो जाएगा। जब क्यू वन होगा तो ये देखें इसकी बेस के साथ अटैच है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। और इसी तरह अगर एस जो है वो वन है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया एस वन है आर जीरो है, एस वन हो जाए आर जीरो हो जाए
तो क्यू जो है जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो होगा तो ट्रांजिस्टर का बेस जो है वो जीरो के ऊपर आ जाएगा, तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो 555 टाइमर है इससे हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किस तरह बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आउटपुट जो हमारी आए वो जिस तरह ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में है वो 1 0 1 0 इस तरह, यानी स्क्वेयर वेव आउटपुट पे आए, तो ये कैसे पॉसिबल है, यानी किस तरह ये इसकी वर्किंग होगी 555 टाइमर की। तो इसके लिए ये हमने सर्किट ड्रा किया है। इसमें देखें कि ये एडिशनल चीज़ें जो हमने लगाई हैं वो दो रजिस्टर हैं और एक एक्सटर्नल कैपेसिटर है, और उसको जोड़ा किस तरह है ये देखें। ये जो टर्मिनल है इसको VCC के साथ जोड़ दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये अब ये कैपेसिटर जो है ये इस VCC के वजह से चार्ज होगा थ्रू R1 एंड R2, और इसके ऊपर जो वोल्टेज होगी वो यहाँ देखें ये जो लोअर कंपेरेटर है उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ और जो अपर कंपेरेटर है उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ ये वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी, कैपेसिटर के ऊपर आएगी, वो यहाँ पे अटैच। अब इनिशियली क्या होगा कि जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर जो है वो ज़ाहिर है चार्ज नहीं होगा, तो उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो के ऊपर होगा। ऐसे समझ लें कि ये कैपेसिटर जो है वो जीरो से स्टार्ट करेगा चार्ज होना, और आपको पता है कि कैपेसिटर जो है एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, इस तरह ये टाइम के साथ साथ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 1/3 VCC से इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा। इनिशियली देखिए जब ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था यहाँ का पोटेंशियल जीरो था, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर कंपेरेटर जो है उसका ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे है और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है लोअर पोटेंशियल पे है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है हायर पोटेंशियल पे होगा तो आउटपुट जो है वो हाई होगी, या यहाँ देखिए कि 1 होगी। और इसी तरह ये देखें कि इसका ये जो अपर हमारा कंपेरेटर है इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है और नॉन इन्वर्टिंग जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनपुट होगी आउटपुट पे वो लोअर होगी, या यहाँ कह लें कि जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में एस जो है वो 1 है और आर जो है 0 है, एस जो है 1 है और आर है 0, तो क्यू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्यू 0 है तो कैपेसिटर जो हमारा सॉरी ये ट्रांजिस्टर जो हमारा इसकी बेस 0 के ऊपर है तो ये ऑफ होगा, तो कैपेसिटर अपना ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेगा। अब क्या हुआ जब इसके थ्रू ये चार्ज होना शुरू हो गया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है उसकी वजह से इसकी वोल्टेज जो इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब एक लेवल आया है 1/3 VCC का, ये 1/3 VCC का लेवल आया, यानी कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है बनी है वो 1/3 VCC के से एक्सीड कर गई है, थोड़ी सी भी एक्सीड करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आउटपुट है वो 1 से 0 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब इस ड्यूरेशन में ये देखें ये इसकी आउटपुट भी 0, इसकी आउटपुट भी 0, इसका मतलब सेट और रीसेट यानी कि एस और आर दोनों 0 0 के ऊपर होंगे। इसका मतलब जब ये दोनों 0 0 के ऊपर होंगे तो क्यू की जो पहली पोजीशन थी वही रहेगी, मीन पहले ये ऑफ था तो अब भी ये ऑफ ही रहेगा, ये पहली कंडीशन जो है ये ऑफ ही रहेगा। यदि कि जब एस भी 0 होगा आर भी 0 होगा तो ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो क्यू पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो पहले हमने कहा कि क्या देखा था कि एस जो है 1 था और आर 0 था, तो ये आउटपुट जो है वो 0 थी, तो ये अब भी 0 ही रहेगी, ये क्यू जो है 0 पे ही रहेगा और ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ ही रहेगा। अब क्या होगा जैसे जैसे इसकी वोल्टेज जो है इंक्रीज होती जाएगी कैपेसिटर की, देखिए ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है और आपको पता है कि कैपेसिटर की वोल्टेज जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है होती जाती है, बिल्कुल ऐसे समझ लें जिस तरह बाल्टी है उसके
अंदर हमने पानी डालना शुरू किया तो उसका लेवल जो इंक्रीज होना शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरह इसका ग्रेजुअली लेवल जो इंक्रीज होता जाता है टाइम के रिस्पेक्ट इसके वोल्टेज का। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी जो ट्रांजिस्टर अपना सॉरी कैपेसिटर जो है इसकी जो वोल्टेज है वो 2/3 VCC से भी बढ़ जाएगी। जब 2/3 VCC से बढ़ जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंपैरेटर जो है उसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब शिफ्ट हो जाएगा 0 से 1 की तरफ। अब जब S0 हो R1 हो S0 R1 तो Q1 पे आ जाता है, ये 1 पे आ जाएगा। जैसे ये 1 पे आएगा तो ये देखें ये कैपेसिटर जो है इसकी बेस जो है हायर पोटेंशियल पे चली जाएगी। जब इसकी बेस जो है हायर पोटेंशियल पे चली जाएगी तो इसका मतलब ये हो कि ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटर चार्ज इधर से हो रहा था ऐसे, ये कैपेसिटर चार्जिंग पाथ है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये ऑन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये देखें ये बेसिकली आप देखेंगे ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसका तो आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो कैपेसिटर जो है अब इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा यहाँ, ये क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो गया। अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, या ये देखें कि कैपेसिटर यहाँ तक ये VCC तक 2/3 VCC तक चार्ज हुआ था। अब ये ऑन हो गया है ट्रांजिस्टर तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, लेकिन कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक इसकी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 1/3 से डिक्रीज नहीं हो जाती। जैसे ये 1/3 से डिक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब होगा, ये देखें कि ये यानी कि जब वोल्टेज जो है कम होगी इसी 2/3 से VCC से कम हो जाएगी तो ये फिर 0 के ऊपर आ जाएगा। अब ये 0 के ऊपर है और ये ऑलरेडी 0 के ऊपर था, लेकिन जैसे ही इसकी वोल्टेज जो है 1/3 VCC से कम होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि ये 1 पे चला जाएगा। अब देखें कि इस ड्यूरेशन में फिर ये 0-0 वाली कंडीशन होगी, लेकिन जैसे ही यानी कि ये ऑन है तो ऑन ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसकी जो वोल्टेज है यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 1/3 से डिक्रीज होगी तो ये क्या आ जाएगा, 1 से फिर 0 आ जाएगा। तो S जो है 0 S1 पे चला जाएगा, सॉरी ये जब इसकी वैल्यू जो है 1/3 से इस कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो ये यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। तो S1 पे आया R0 पे आया, S1 पे R0 पे तो Q फिर 0 पे चला गया, Q 0 पे चला गया तो ट्रांजिस्टर फिर ऑफ हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, कैपेसिटर यहाँ से फिर चार्ज होना शुरू हो गया, इसका मतलब इसकी जो वोल्टेज है वो इस तरह इंक्रीज होती जाएगी ऐसे ये। और फिर जब ये 2/3 पे जाएगा VCC के ऊपर इस कैपेसिटर की वोल्टेज तो लहर है, फिर ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा ऑन हो जाएगा, डिस्चार्ज चिंग हो जी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह यानी कि यहाँ पे अगर हम ऑसिलोस्कोप लगा के देखें तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो इस तरह इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, तो इस तरह ये वेव फॉर्म जो आउटपुट पे हमें यानी कि ऑसिलोस्कोप में मिलेगी इसके अक्रॉस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या होगा, अब ये देखें कि इनिशियली यहाँ पे जो हमारा क्यू था वो 0 के ऊपर था, ये क्यू 0 के ऊपर था तो ये 0 के ऊपर था, तो आउटपुट जो है इसकी इन्वर्ट थी वो 1 के ऊपर थी। और फिर क्या हुआ, यहां से ये जब कैपेसिटर यानी क्यू जो है 1 पे आया है, क्यू 1 पे आया है तब ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, चलो हम इस तरह इससे बना देते हैं, ये देखिए 0 फिर 1 पे चला जाएगा। जब ये 1 पे आ जाएगा तो डेफिनेटली कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ है फिर ये इसकी जो आउटपुट है वो 0 पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये फिर 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा, यहाँ 0 था यहाँ 1 आएगा, ये इन्वर्टर है, यहाँ 1 है यहाँ 0 होगा, यहाँ फिर 0 है 1 आ गया, 1 है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि आउटपुट जो है हमें इस तरह की मिलेगी, 1010 मीन स्क्वायर वेव जो है हमें मिलेगी। तो अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो वो कुछ यूं होगा कि यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो कुछ यूं मिलेगी, ये और ये लेवल जो है ये होगा 1/3 VCC और ये होगा 2/3 VCC। और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ यूं मिलेगी, ये 0, ये 1 फिर 0 और ये फिर 1, यानी कि यहां तक फिर 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे जो हमें Q पे ये देखें, ये है VC, ये है VQ और V आउट किस तरह होगी, वो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि V आउट जो आपके पास मिलेगी वो कुछ यूं मिलेगी, यहां पे ये 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ इनका अगर कंपैरिजन किया जाए, इस पॉइंट के ऊपर हमें इस तरह की आउटपुट वोल्टेज मिलेगी कैपेसिटर के क्रॉस, इस पॉइंट के ऊपर हमें इस तरह की वोल्टेज मिलेगी और इस पॉइंट के ऊपर यहां से ये वी आउट है, तो यहां पे इस तरह की आपको आउटपुट पे वी फॉर्म मिलेगी। अब अगली बात यह है कि इसका हम टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह टाइम पीरियड इसका निकालते हैं। अब इसका ये ड्यूरेशन निकालने के लिए, यानी कि टाइम निकालने के लिए, कि यहाँ से जब कैपेसिटर चार्ज होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है तो ये टाइम कितना है, इसको कह लें कि ये टाइम T2 है, इसको कह लें कि ये टाइम T1 है। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज किस तरह होता है, तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि Q = Q0 × 1 - e^(-t/RC, ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का फार्मूला है। अब जब Q को यहाँ से भी C से डिवाइड कर दे, यहाँ से भी कैपेसिटर्स जो है कैपेसिटर के उसको डिवाइड कर दे, तो V जो है वो Q/C के बराबर होता है। इसका मतलब ये V इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की, तो ये वो चार्जिंग जहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, चार्जिंग वोल्टेज जो है वो वी नॉट आ जाएगा, 1 - e^(-t/RC आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि वी नॉट से डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये फैक्टर आ गया, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये फैक्टर आ गया आपके पास, दोनों तरफ का हम लाग ले लेते हैं, लाग बेस ई, याद रखें लाग बेस 10 नहीं है, तो लाग बेस ई जो होगा, ये ई और लाग जो है दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, इधर बचेगा -t/RC = इसका लाग। अब आरसी से इधर मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव आरसी से, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा t = -RC log(1 - V/V0, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके। अब यहाँ देखें कि इनिशियली कैपेसिटर ने 0 से लेकर 1/3 VCC तक चार्ज होना है, तो ये टाइम कितना होगा, इसको हमने T1 से शो किया, तो जब V जो है 1/3 VCC के इक्वल होगी और चार्जिंग वोल्टेज जो है वो यही है VCC, तो V नॉट जो है VCC के बराबर होगी, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये देखिए VCC से VCC कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1/3 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि T1 आपके पास आ जाएगा -RC log(2/3) और इसी तरह कैपेसिटर चार्ज होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, तो उसको टाइम अब कितना लगा है, ये कह लें कि T2 है और वोल्टेज की वैल्यू 2/3 VCC की इक्वल होगी, तो अब यहाँ 2/3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3, क्यों बोला कि 1 - 2/3 आ जाएगा ना, तो ये 1/3 आ जाएगा T2 की वैल्यू। अब T2 - T1 देखें, इसमें से और इसमें से -RC को कॉमन निकाल ले, तो
तो ये आ जाएगा टी टू लॉग ऑफ 1/3 माइनस लॉग ऑफ 2/3। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये डिवाइड हो जाएंगे, लॉग 1/3 डिवाइड बाई 2/3, तो हम कह सकते हैं लॉग 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आर सी लॉग ऑफ 1/2। लॉग 1/2 जो होता है वो -0.693 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा 0.69 आर सी के इक्वल। यानी कि ये ड्यूरेशन जो है ये आपके पास आ गया टी, यानी कि T2 माइनस T1, तो ये चार्जिंग टाइम आ गया ये। अब इसी तरह ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करके हम डिस्चार्जिंग भी इसकी निकाल सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी आउटपुट के ऊपर, जो हमें वोल्टेज में अपना आउटपुट जो मिल रही है इनकी वेव्स की, स्केयर वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज होगा, तो उसकी जो रिलेशन है टी इज इक्वल टू 0.69 आर सी। अब यहाँ देखिए कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है आर वन और आर टू के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टी चार्जिंग होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होगा वो होगा टी सी इज इक्वल टू 0.69 आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू इंटू सी, और ये टी एच कहलाएगा। टी एच इसको क्यों कहेंगे, ये देखें, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आउटपुट पे हमें हाई वोल्टेज मिलेगी, मीन वन मिलेगा टी, ये है टी एच। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम जो है वो टी एच है, चार्जिंग टाइम जो कैपेसिटर का है आउटपुट पे वो वन का टाइम होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टी एच होगा। और अगली बात ये देखें कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज जो होता है वो सिर्फ आर टू के थ्रू होता है, ये आर टू के थ्रू ये पाथ भी बनता है कैपेसिटर की चार्जिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्चार्जिंग टाइम जो होगा वो होगा 0.69 आर टू सी के इक्वल, और ये टी एल होगा। क्यों, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो आउटपुट हमें जीरो मिलती है, यानी कि लो वोल्टेज मिलती है, ये टी एल होगा, तो ये टी एल होगा। अब ये देखिए टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, जाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टाइम होगा ये टाइम पीरियड होगा, मीन टी एच प्लस टी एल, तो या टी सी प्लस टी डी, चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग टाइम। तो चार्जिंग टाइम आपके पास ये है, डिस्चार्जिंग टाइम ये है, इसको एड अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.69 आर वन प्लस टू आर टू इंटू सी। अब ये आ जाएगा टाइम पीरियड, तो आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 आर वन प्लस टू आर टू इंटू सी। तो ये टाइम पी फ्रिक्वेंसी आ गई, ये आउटपुट की फ्रिक्वेंसी आ गई आपके पास। अब हमने निकालना है ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टी एच ओवर टाइम पीरियड, तो ये टी एच ओवर टी, ये ड्यूटी साइकिल कहलाएगा। अब टी एच क्या है, टी एच ये है आपके पास, और टी क्या है, ये है, इससे इसको डिवाइड करें, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें, तो ड्यूटी साइकिल जो है आपके पास आर वन प्लस आर टू ओवर आर वन प्लस टू आर टू के बराबर आ जाए। अब अगर देखें हम ऐसा करते हैं कि ये जो रेजिस्टर है इसके पैरेलल हम एक डायोड लगा देते हैं, इस तरह ये डायोड लगा दिए, तो अब क्या होगा, चार्जिंग इस तरह होगी, ये देखें करंट जो है इस तरह पास होगा, ये इसको पाथ मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब चार्जिंग टाइम जो होगा टी सी या टी एच जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.69 और ये आ जाएगा आर वन सी, ये सी एक्चुअली सी एक्सटर्नल है, याद रखें हर जगह पे सी एक्सटर्नल ही आएगा, सॉरी ये 0.69 आर सी आएगा, ये टी एच हो गया आर वन, ये आर वन ये वाला, और डिस्चार्जिंग टाइम तो हमारा किसके बराबर होगा, वही होगा टी डी जो होगा या टी एल जो होगा 0.69 आर टू सी के बराबर होगा। तो
अब अगर इसका ड्यूटी साइकिल निकालना है तो क्या करेंगे, अब ड्यूटी साइकिल जो होगा टी एच ओवर टी, तो ये आ जाएगा टी एच की जगह क्या लिखेंगे, 0.69 सी एक्सटर्नल आर वन ओवर 0.69 सी एक्सटर्नल, और ये क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, यानी कि इन दोनों को एडअप करेंगे, ये कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इतना हिस्सा, तो ये आ जाएगा ड्यूटी साइकिल आपके पास आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा, ड्यूटी साइकिल इसके बराबर आ गया। अब अगर आर वन और आर टू आपस में बराबर हूँ, यानी कि अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू, तो इसका क्या मतलब हुआ, ड्यूटी साइकिल आपके पास आ जाएगा आर, इसको आर पुट कर दें, यानी कि आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, तो आर ओवर टू आर आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब वन बाई टू आ जाएगा, ड्यूटी साइकिल आ जाएगा आपके पास वन बाई टू, तो वन बाई टू का क्या मतलब हुआ कि इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ड्यूटी साइकिल जो है हाफ मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब 50% आ जाएगा। जब ये 50% होगा इसका क्या मतलब होगा कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एग्जैक्ट स्केयर में मिलेगी, यानी जितनी देर ये हाई लेवल पे रहेगा उतनी देर ये लोअर लेवल पे रहेगा, तो इसका टी एच और टी एल जो है आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें परफेक्ट स्केयर वेव मिलेगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ डायोड लगा देते हैं, तो चार्जिंग टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि सिर्फ आर वन के थ्रू अब कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है, आर टू को हमने बाईपास कर दिया, तो इस तरह हमारा जो है मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट के ऊपर एग्जैक्टली स्केयर वेव जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि 1010 जिस तरह ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ आउटपुट पे हमें ए स्टेबल वाली ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वाली जो है आउटपुट मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।